वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हो मोहित त्रिपाठी की एक और नई फ्रेश वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दी ऑल न्यू MG Aster। तो कुछ बैक प्रोफाइल आपको इस तरीके की देखने की मिल जाएगी। बात करें इसके टेल लैंप्स की, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट जैसे मिल जाते हैं। ये जो आपका यू शेप में आपकी लाइट दी गई है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। आप लोग अपने व्यूज़ रिव्यूज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो। MG के यहाँ पे आपका लोगो ब्रॉड सा देखने को मिलता है, जो कि ऐसे आप करके आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। तो कुछ अच्छा खासा आपको बूट ऑफर किया गया है। MG Aster कॉम्पिटिट करती है क्रेटा से और कुशाक जैसी गाड़ियों से कॉम्पिटिट करती है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है और यहीं पर आपको साइड पॉकेट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे ऑफ़र की गई है और यहीं पे आपको ग्रैब हैंडल ऑफ़र किया गया है। तो आप देख सकते हो ADAS की आपको बैजिंग देखने को मिलती है, Aster की बैजिंग देखने को मिलती है, ZS आपको वेरिएंट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बात करें सबसे नीचे डेप्थ की, तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है और यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आप बैक प्रोफाइल देख रहे हो इसकी। बात करें इसके रूफ़ की, तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे मिलते हैं रूफ रिल्स। और बात करें पीछे फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, यहाँ पे आपको रियर वाइपर और हाई स्टॉप माउंट लैंप आपको यहाँ LED में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है ये गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी बना रही है। बात करें Aster का लुक्स के बारे में, तो ये गाड़ी मतलब एक मिड साइड SUV है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा बल्कि लुक MG ने नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे मिले। डायमंड्स कट आपको यहाँ पे अलॉयज देखने को मिलते हैं। तो कुछ आप देख सकते हो 215x55 पार 17 के आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। MG का आपको लोगो देखने को मिलता है। चारों पहियों में आपको मिल जाते हैं इसके डिस्क ब्रेक। तो कुछ देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको फ्यूल भरवाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके फ्रंट में और आपको बताते हैं कि फ्रंट से क्या ऑफ़र किया गया है। तो ये कुछ इसका फ्रंट है। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर MG का आपको लोगो देखने को मिलता है। 360 आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और आपको MG की टिपिकल ग्रिल देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी है। और ये आपको यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिलती हैं। ये कुछ जो शेप है मेरे हिसाब से मुझे L का शेप लग रहा है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आपको जो लाइट दी गई है वो LED में प्रोजेक्टर दिए गए हैं, तो काफ़ी प्रीमियम सा लुक निखर कर आता है। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश और यहीं पर आपको मिलता है हैलोजन में बल्ब दिया गया है, जो कि फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो ये कुछ रहा। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ORVM देखने को मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपको कैमरा। तो आप देख सकते हो कुछ कर्व्स देखने को मिल जाते हैं और आपको दोनों डोर साइड आपको यहाँ पे मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके इंजन में, तो आपको दो इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 2.20 आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो जनरेट करता है 220 Nm का टॉर्क एट और पावर जनरेट करता है आपकी 1 PS की पावर जनरेट करता है। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। और जो दूसरा आपको इंजन मिलता है वो VTI टेक पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 8-स्पीड CVT डिलीवरिंग 144 Nm का टॉर्क और 110 PS की आपकी पावर जनरेट करता है। तो आप कुछ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये कुछ आपका फ्रंट से रहा। तो ये रही कुछ बाहर से इसकी बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताते हैं कि गाड़ी के अंदर से आपको क्या ऑफ़र किया गया है। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और आपको कुछ चीज़ आपको इस तरह देखने को मिल जाती हैं। MG की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, रेड आपको इंसर्ट्स, क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के आपको बटन्स देखने को मिलते हैं, रिमोट की आपको देखने को मिलती है। तो अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं RPM मीटर और यहीं पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। ये पूरा आपको डिजिटल दिया गया है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो मैं अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूँ, तो इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है।
यहाँ पे आपको हैंडल, अगर बात करी जाए तो हैंडल आपको लेदर रैप्ड मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको इंफोटेनमेंट्स के कंट्रोल, और यहीं पे आपको मिलते हैं क्रूज के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको MG की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हो ये जो इंटीरियर है, और मैं अगर इसकी बात करूँ तो सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप का कुछ यूज़ किया गया है, लेदर नहीं है ये। और आपको जो ये रेड इंसर्ट देख रहे हो, ये आपको लेदर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर की, तो ट्रिपल टोन आप कह सकते हो। तो ये कुछ रही यहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। बात करें यहाँ पे तो आपको AC विंड्स देखने को मिलते हैं, और यहीं पे आपको हेडलैम्प के लेवलर देखने को मिलते हैं। ORVM आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑल पावर विंडो मिल जाती हैं, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, डोर ओपनर आपको सिल्वर में देखने को मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात रही। बात करें इसके सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल का नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर एक बार अच्छे से ले लो, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 AC वेंट्स, और यहीं पे आपको मिलती है अभी इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अभी इसके इंचेस डिस्क्राइब नहीं की गई, डिस्क्लोज नहीं की गई है MG की तरफ से, लेकिन मेरे हिसाब से ये 10 इंच का तो लग रहा है। बाकी आप लोग को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ आपको ऑटो कार एपल आपको सब फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, और यहीं पे आपको USB पोर्ट और ऑक्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आप देख सकते हो AMT आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको चेकर्ड फ्लैग की आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है, और ये आपका पार्किंग असिस्ट और ऑटोमेटिक का फीचर देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक हैंडब्रेक का फीचर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और यहीं पे आपको डिसेंट सी आर्मरेस्ट में स्टोरेज दी गई है। तो लाइक आप अपना पर्स या कुछ चीज़ छोटी बॉटल कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब आते हैं को ड्राइवर सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको डोर ओपनर दिया गया है सिल्वर फिनिश में, और यहीं पे आपको मिल जाता है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का विंडोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेदर रैप काफ़ी यूज़ किया गया, लेदर का प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी यूज़ किया गया, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे आपको डिसेंट सा आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, हालांकि ये चील्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 4 स्पीकर 4 ट्विटर के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। IRBM आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिलता है, और ये रही इसके पैनारोमिक सनरूफ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो ये कुछ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और तो देख लीजिए आप कैसे ओपन होता है। अब बात करते हैं इसके सनशेड्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। तो ये आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, हालांकि कोई वैनिटी लाइट आपको देखने को नहीं मिलती। यहां पे आपको पैसेंजर एयरबैग की आपको देखने को मिल जाता है, ऑन है या ऑफ है यहां पे आपको शो होता है। तो ये आपकी कुछ लाइट्स दी गई हैं LED में, आप देख सकते हो। तो ये रही फ्रंट की बात, आप अच्छे से एक बार ओवरव्यू ले सकते हो इसके डैशबोर्ड का। अब चलते हैं इसके बैक में, और आपको बताते हैं कि गाड़ी के बैक में क्या ऑफ़र किया गया। जैसे यहाँ से आप अपने इंजन बोनट ओपन कर सकते हो, और यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। तो अब चलते हैं गाड़ी के रेयर सीट पर, और आपको बताते हैं कि बैक सीट से क्या ऑफ़र किया गया है। तो अब हम आ गए हैं इसके बैक सीट पर, यानी कि रेयर सीट पर। तो आप देख सकते हो कितना सा आपको इसमें लेग स्पेस देखने को मिल जाता है, और थाई सपोर्ट कितना अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। बात करें बैक में, तो यहाँ पे आपको विंडो अप एंड डाउन के फीचर्स, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर देखने को मिलता है, लेदर अपहोल्स्ट्री, और 3 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहीं पर आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट, और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख लो अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको साउंड की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, और यहीं पे आपको 1 लीटर बॉटल स्पेस देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 AC वेंट्स, और 2 आपको चार्जर देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ इसके जो सेंटर पे लगा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एस्टर का एक पार्ट है, जो कि आप इनसे कुछ भी पूछोगे तो ये सब असिस्ट करके आपको इसके आंसर्स देगा। तो ये रही इसके बैक सीट की बात। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर, और आपको और चीज़ें बताते हैं।
तो ये रही कुछ गाड़ी की खासियत। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 80 km पर आर की स्पीड का आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रही है, आप किसी हाईवे पे जर्नी कर रहे हो इस गाड़ी से, तो जैसे कि वहाँ पे आपको लिखा होगा कि 80 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चलाओ, तो ये गाड़ी अपने ज़रिए मतलब अपने ज़रिए रिकॉर्ड करके उस चीज़ को असिस्ट करके आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी 80 किलोमीटर पर आर ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये जो फीचर है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि AMG Astra आपको कैसी लगी। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।